हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पंचघाट वाटरफॉल, जो कि रांची से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होने वाला है। तो आप बने रहो, विल एंजॉय। पंचघाट वाटरफॉल पहुंच गए फाइनली, ये राइट साइड में। यहाँ पे स्वागत है आपका। टिकट चार्जेस भी यहाँ पे, एंट्री फीस है। कितना एंट्री फीस है? 10 रुपीज ईच पर्सन। 10 रुपये एक का। 15 का क्या पार्किंग का चार्जेस? अच्छा, इधर गांव है ना। अभी भी वी आर इन पंचघाट। देख रहा, पिकनिक करने के लिए लोग आए हुए हैं। सब बर्तन वर्तन लेकर आए हैं लोग। प्रेम, तेरा कोई सेटिंग है खाने वाने का? इधर यहाँ पे छोटे छोटे दुकानें लगी हुई है। यहाँ पे गाड़ी पार्क करना है, खाने का भी सामान है यहाँ पे, समोसा वगैरह, स्नैक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ये यहाँ पे पंचघाट का बोर्ड लगा हुआ है, फोटोशूट के लिए आप आराम से फोटोशूट कर सकते हो। और ये ब्रिज से चल के हमें वाटरफॉल की तरफ जाना है। लोग आ रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं। यहाँ पे कुछ बना हुआ है बच्चों को खेलने के लिए, कुछ ये अच्छा है। ये ऊपर का व्यू, ऊपर से दिख रहा पंचघाट ऐसा। इस ये वाटरफॉल बेसिकली 5 धारा यहाँ पे आके मिलती है, इसलिए नाम रख दिया गया पंचघाट। क्या प्रेम, ये टॉप से ऐसा दिखता है पंचघाट। पानी यहाँ से नीचे उतर के वो नीचे जाती है और नीचे बना हुआ है ऐसा, वो लोग स्विमिंग पूल ऐसा बना दिए ताकि लोग नहा सके। अच्छा है सेफ्टी के लिए। और मैं नीचे जाता हूँ और ये यहाँ से नीचे दिख रहा है, पानी नीचे जा रहा है। हर जगह कुछ कुछ दूरी में ऐसा कुछ बना हुआ है बैठने का, आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। अगर चलते चलते थक जाते हो इनकेस, तो यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो। शांति देख रही है, पानी पानी वानी भी अवेलेबल है यहाँ पे, हर जगह जगह पे पीने वाला। यही है पंचघाट वाटरफॉल। ये यहाँ पानी स्टोर कर दिए ये लोग ताकि लोग नहा सकें। ये छोटा स्विमिंग पूल है, आगे बैठा है क्या? घुटने तक के ये नहीं, सीमेंट क्या हुआ ये? नहीं, गहरा तो नहीं है। चलो मैं भी चलता हूँ पानी में, थोड़ा मैं भी एंजॉय कर लेता हूँ। यार पानी बहुत ठंड है, लेकिन ये घुटने तक का ही बना हुआ, ज़्यादा गड्ढा नहीं है। चिल रहा यार, वाटर पूरा पानी ठंडा है। ये काफी अच्छा जगह लग रहा है, इसलिए क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ नहाने का अच्छा है। ये लोगों ने क्या किया है कि ये वाटरफॉल के ऊपर ही ये बनवा दिए पुल,
ताकि पानी ज़्यादा नीचे ना आ सके और लोग यहाँ पे ही नहा सके। हमें नहीं आना, हमें नहीं आना यार। इसमें मजा नहीं आएगा नहाने में। हम लोग पूरा जिसमें पानी रहता है उसमें नहाते हैं भाई। और ये स्कूल के बच्चे लोग आए हुए पिकनिक के लिए अपने स्कूल टीचर्स के साथ। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे और ये एक बच्चा स्टूडेंट डांस कर रहा है और ये सर जी नमक डाल रहे हैं चिकन में। चिकन बन रहा है, चिकन और राइस। यहाँ लकड़ी ला के रखे हुए ये लोग, यही लकड़ी को यूज़ करेंगे चूल्हे में और यहाँ राइस बन रहा है। Thank you.